अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी बहन सैयदा नाहिदा खदरी। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज 18 सितंबर संडे यानी इतवार का दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज खिदमत खलशी की तरफ से ये 5 घर की बेवा औरतें हैं, ज़हीब औरतें हैं, जिनको राशन तकसीम किया जा रहा है। बस लेकिन मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग भी देखिए, आगे बढ़िए, थोड़ा ऐसे लोगों के लिए मदद करिए, क्योंकि ऐसे कई सारी बेवा औरतें हमारे पास मदद के लिए आती हैं, राशन के इंतजाम के लिए आती हैं, तो हमें उनका इंतजाम करना पड़ता है। तो आप लोग भी चाहे तो ऐसे औरतों के लिए इंतजाम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी औरतों को हमें राशन देना पड़ता है। अब देखिए, हैदराबाद शहर के अलग अलग एरियों की रहने वाली औरतें हैं। ये जो आंटी है, ये नशीमन नगर से आई हुई है। ये जो आंटी है, ये उमर कॉलोनी की रहने वाली है। ये जो है शाहीन नगर की रहने वाली है। ये जो है पहाड़ी की रहने वाली है। और ये जो आंटी है, ये काचीगुड़े की रहने वाली है। तो ये अलग अलग एरियों के हमें इस तरीके से हमें लोगों को राशन तकसीम करना पड़ता है बेवा औरतों को। तो आप लोग प्लीज़ आगे बढ़िए, लोगों के लिए राशन का इंतजाम करिए। जो हो सका आपसे इंतजाम करेंगे तो बेहतर रहेगा। देखिए, आप चाहे तो एक घर, दो घर, 15, 20, 25, 50 जितने चाहते बेवा घर की औरतों के लिए राशन का इंतजाम कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त इन लोगों की हालत ऐसे नहीं है कि कुछ मेहनत कर सके, कुछ कमा सके, अपने हाथों से कुछ मेहनत करके खा सके। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे को राशन मिला। ज़रा हर महीने ज़रा हम बेवा बेवसों के अगर आप लोग ख्याल करेंगे तो हम आप लोगों के हक़ में बहुत बहुत दुआ करेंगे, आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्र भी अदा करेंगे। मरे तक खाएंगे तो एहसान मानेंगे आप लोगों का, आप लोगों के हक़ में दुआ करते रहेंगे। माँ आप ज़रा हम बेवाओं का बहुत वो करो, आप ज़रा महीने महीने को ज़रा राशन दिया करो, बहुत बहुत शुक्रिया होता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहु, बेटा आप लोग का राशन का इंतज़ाम कर रहे बेवा उनका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आपके हक़ में दुआ करेंगे। हमारा कोई सहारा नहीं है बेटा, आप लोग हमारा ख्याल करेंगे तो अल्लाह उसका रसूल आप लोगों का ख्याल, अल्लाह आपको हया सहेद दे। जज़ाकल्लाह खैर बेटा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहु, हम तो बेसहारों का सहारा बने, जैसा आप लोगों कि हक़ में हम दुआ करेंगे, हर महीना राशन इसी तरह हमको भेज के, हम बेवारसी मतलब एकदम लावारिस के जैसे, हम हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में, जबकि कोई होगा तो भी हमें पूछने वाला कोई नहीं है, हमें एक टाइम का एक वक्त की रोटी देने वाला हमें कोई नहीं है। आप लोगों का एहसान मंद हम मानेंगे, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। अल्लाह आपको हर तरीके से, हर बलायों से दूर रखे, हर वक्त हम आपके लिए दुआ करेंगे, हर महीना इसी तरह हमारा ख्याल रखें, जैसे कि हम बिल्कुल लावारिस हैं। चाहे तो आप हमारी इंक्वायरी भी कर सकते हैं, हमारे लिए बोल भी सकते हैं, हमारे बुला के आप लोग खुद हकीकत देख सकते हैं, ये नहीं कि झूठ बोल के हम खाना, ये कोई मकसद नहीं है। हम बिल्कुल एकदम बेसहारा है, हमारा कोई सहारा नहीं है। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग जो भी हमारे को मदद कर रहे बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो इतनी इधर से इतनी मेसी रहे, इधर से मरद का साया नहीं हमको, आप जो भी हमको भिजाएंगे हम अमना करेंगे, हमेशा आप लोगों को दुआ देंगे। जितना हो सका आप लोगों से मदद करो, आप लोग हमारे को बहुत दूर से आते, हम लोग हमें काचीगुड़े स्टेशन करने से आई, मेरे को कोई रह के भी फ़ायदा नहीं है, कोई नहीं है भी तो फ़ायदा नहीं है। आप लोग हमारे को मदद करेंगे, हम आप लोगों को पूरे 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 लोगों को हम दुआ देंगे, हमारे को जो आसरा दे रहे उनको भी हम दुआ देंगे, शुक्रिया। देखिए, ये ऐसी बेसहारा बेबस औरतें हैं जो बराबर वाक़ में आपकी हकदार हैं। आप लोगों का जो हक़ बनता है किसी ज़ईफ को अपनी तरफ से कुछ राशन देना, उनका कुछ फ़र्ज़ अदा करने का आप लोगों का जहाँ होता है, बराबर आप ऐसी औरतों के लिए अदा कर सकते हैं। अल्लाह की राह में आप लोग खर्च करेंगे तो बराबर अल्लाह ताला भी आपसे खुश होगा, और ऐसी ज़ईफ़ औरतों के दिलों से आपके लिए दुआ भी निकलेगी। खुदा हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैर।